हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नीफिकेशन और लेंथ फॉर्मूला पढ़ा था। तो मैग्नीफिकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो क्या था? मैग्नीफिकेशन दैट इज एम, क्या था आपका? वी अपॉन में यू, ठीक है। अब कई बार कई सारी लेंथें एक साथ रख दी जाती हैं, फिर हमें उस कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन निकालने को पूछा जाता है। सपोज ये लेंस है 1, इसका मैग्नीफिकेशन m1 है, ये लेंस है 2, इसका मैग्नीफिकेशन है m2, ये लेंस है 3, इसका मैग्नीफिकेशन है m3। अब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये आपकी इमेज बनी, यहाँ पे क्या बनी? इमेज बनी आपकी, ठीक है। तो आप इमेज जो है उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो मान लो इस कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन क्या होगा? m। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m1 इनटू m2 इनटू m3। जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा इन तीनों का मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये याद रखना। अब अगर मान लो बहुत जितनी भी लेंथेस हैं सारी लेंथेस का मैग्निफिकेशन क्या होता जाएगा? मल्टीप्लाई होता जाएगा। कैसे? या आई विल शो यू। सपोज इसका मैग्निफिकेशन 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो ये मान लो एक लेंथ ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 10 है, ठीक। अब जब ये यहां से पास होगी इसकी लाइट रे, तो यहां से जो मैग्नीफाई होके बनेगा ट्वाइस, डबल हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 20। तो जो इसकी इमेज बनी वो कितनी बनी? 20। अब ये इसकी तरह, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। देखो यहां देखो, जैसे कि अगेन आई एम सेइंग 1 2 3, यहां से जो आपकी आई यहां पे इमेज बनी। अब ये इमेज इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। फिर ये इमेज इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज ये बन गई, 10 का ट्वाइस हो गया 20। अब ये 20 इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो 20 का 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो 60 का 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? दैट इज 240, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम वैसे निकालें, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? टोटल 2 × 3 × 4, तो कितना हो गया? 2 × 3 = 6 × 4 = 24। तो 24 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। देखो 10 × 24 = 240। तो ये हमारा क्या होता है, जब कई सारे लेंसेज एक साथ रखी हो तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है सारे मैग्निफिकेशन का क्या होता है? आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। और बाकी हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आपकी आती है पावर, पावर ऑफ लेंस, वो कितना एंगल तक डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है, कितने एंगल तक डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है। अब देखो बहुत सिंपल सा है, जैसे एक लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ ये है, ठीक। तो ये आपकी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये इसने कन्वर्ज कर दिया, ठीक। सेम सिनेरियो हम देखें, सेम सिनेरियो हम देखें आते हैं, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ यहां पे, फिर से पैरेलल बीम, इसने भी कन्वर्ज कर दिया, ठीक। अब दोनों ही पैरेलल बीम है, ठीक है। अब इसका एंगल कितना बना? इतना बना, ठीक है, और इसके एंगल कितना बना? इतना। तो एंगल ज्यादा किसका हुआ? इसका, क्योंकि देखो इसने कन्वर्ज की वहां तक, इसने यहां तक, यहीं पर कन्वर्ज कर दी, तो एंगल क्या हो गया? ज्यादा। जितनी पास कन्वर्ज करोगे, एक और ले लेते हैं, ये मान लो आ रही है, ये कन्वर्ज करी आपकी यहां पर, तो इसमें एंगल ऑफ कन्वर्जन क्या हुआ? और कम हुआ, है ना।
तो फोकल लेंथ देखो जितनी ज्यादा है एंगल उतना कम है, फोकल लेंथ जितनी कम है एंगल उतना ज्यादा है। और हम पावर क्या कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन, कितने ज्यादा एंगल पे वो कन्वर्ज कर सकता है। तो ज्यादा एंगल पे कन्वर्ज कहां कर रहा है, यहां पे, तो इसकी पावर क्या हो गई, ज्यादा। मतलब कि फोकल लेंथ कम हो रही है तो पावर बढ़ रही है। दैट मींस फोकल लेंथ पावर का क्या है, इनवर्स। दैट मींस पावर और फोकल लेंथ, दैट मींस पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ हम मीटर में अगर लेके चलते हैं तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, मीटर इनवर्स। जनरली हम जो पावर लेके चलते हैं किसमें लेके चलते हैं, डायोप्टर में, किसमें, डायोप्टर, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो पहले से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जब उसको 1/2 करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डायोप्टर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पावर, ठीक है। तो आपकी फोकल पावर क्या हो गई, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ठीक। अब सिमिलरली जैसे मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा था, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई होता है, इसकी पावर सपोज P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी आपकी, एड अप हो जाएगी। अगर मैग्निफिकेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, वो एड अप हो जाएगा। कई बार आपके सामने क्वेश्चन आएगा जैसे कि इस कॉम्बिनेशन का सब तीनों की पावर दे दी, आप बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालो। तो पहले आप इस कॉम्बिनेशन की पावर निकाल लोगे, पावर क्या हो जाएगी, P1 + P2 + P3, ठीक। तो आपका P टोटल पावर आ गई। अब आप F निकाल लोगे, 1 F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/P, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/F है, तो F इज इक्वल टू 1/P निकाल लोगे। ये P की वैल्यू इन तीनों को ऐड करके आपको मिली गई थी, तो यहां से आपको F निकल आएगा। लेकिन जो F निकलेगा वो किसमें निकलेगा, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक बचा है रे डायग्राम, उसके मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, क्योंकि इस पर रे डायग्राम बनाना थोड़ा सा हॉस्पॉस हो जाएगा। आई विल शेयर द फोटो, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो यू विल डिस्कस विद मी, ठीक है।